नमस्कार दोस्तों, ऑल टीटी चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच प्ररूप संधि लेकर के उपस्थित हुआ हूं, जिसे आप ध्यानपूर्वक जरूर देखें, क्योंकि ये परीक्षा के दृष्टिकोण से यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्ररूप संधि विधायक सूत्र क्या है, यदि ऐसा आता है तो आप प्ररूप संधि विधायक सूत्र जो है वो अंगी प्ररूपम है, इसको याद कर लीजिए। प्ररूप संधि विधायक सूत्र कौन सा है? अंगी प्ररूपम। अब प्ररूप संधि में क्या होता है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कह रहा कि उपसर्ग के आकार के बाद यदि धातु का ए अथवा ओ रहे तो उपसर्ग का आकार भी बाद के स्वर का रूप ले लेता है। कह रहा कि उपसर्ग के आकार के बाद यदि धातु का ए अथवा ओ रहे तो उपसर्ग का आकार भी बाद के स्वर का रूप ले लेता है। यह वृद्धि संधि का क्या है? तो अपवाद है। वृद्धि संधि का अपवाद है। जैसे उदाहरण से देखते हैं, प्र प्लस एशयति क्या हो जाएगा? प्रेषयति। ये देखिए यहाँ पर लिखा है प्रेषयति, प्र प्लस एशयति क्या हो जाएगा? प्रेषयति। प्र प्लस एजते, प्र प्लस एजते क्या हो गया? प्रेजते। उप प्लस ओषति क्या हो जाएगा? उपोषति। वैसे ही प्र प्लस एशयति क्या हो जाएगा? प्रेषयति। अब प्रेषयति ऐसा परीक्षा में आ जाता है और आपसे पूछेगा कि ये कौन सी संधि का उदाहरण है, तो आप क्या लगाएंगे? ठीक, पररूप संधि का। किसका है? पररूप संधि का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका प्रकृति भाव। प्रकृति भाव के बारे में जानते हैं कि प्रकृति भाव क्या है। प्रकृति भाव कह रहा कि इसका जो सूत्र है वह है प्लुत प्रगृह अचिनित्यम। क्या है? प्लुत प्रगृह अचिनित्यम। इसका जो सूत्र है वह है प्लुत प्रगृह अचिनित्यम। अब प्रकृति भाव संधि क्या कहता है इसके बारे में जानते हैं। कहला कि यहाँ पर कि प्रकृति भाव का अर्थ है संधि करने का निषेध करना। यहाँ पर संधि को निषेध करना कहा है। प्रकृति भाव में क्या कहा है? संधि करने का निषेध करना, अर्थात प्रकृति वर्णों में विकृति या परिवर्तन ना करे, मतलब करके उन्हें ज्यों का त्यों बनाए रखना। वस्तुतः इसे संधि का भेदना कहकर संधि का अभाव ही करना चाहिए। अब जैसा शब्द है वैसा ही रहेगा, ऐसा ये कह रहे हैं। एक बार दोबारा देख लेते हैं। कह रहा है कि प्रकृति भाव का अर्थ है संधि करने का निषेध करना, अर्थात प्रकृति वर्णों में विकृति परिवर्तन ना करके उन्हें ज्यों का त्यों बनाए रखना। वस्तुतः इसे संधि का भेद ना कह करके संधि का अभाव ही करना चाहिए, क्योंकि संधि नियम के लागू होने की स्थिति में भी संधि कार्य नहीं होता। क्या कह रहा है कि संधि नियम के लागू होने की स्थिति में भी संधि कार्य नहीं होता। कह रहा कि यदि कोई वर्ण प्लुत या प्रगृह संज्ञक होता है और उसके बाद अच आता है तो प्लुत एवं प्रगृह वर्णों का संधि ना होते हुए प्रकृति भाव होता है। दोबारा देख लेते हैं। कह रहा कि यदि कोई वर्ण प्लुत या प्रगृह संज्ञक होता है और उसके बाद अच आता है तो प्लुत एवं प्रगृह वर्णों का संधि ना होते हुए प्रकृति भाव होता है। अब कैसे होता है उसको उदाहरण से हम थोड़ा समझ लेते हैं। पहले प्रगृह संधि के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। प्रगृह संधि क्या है? इसका जो सूत्र है वो है आपका ई दुदे द्विवचनम प्रगृह्यम। क्या है? ई दुदे द्विवचनम, ई दुदे द्विवचनम प्रगृह्यम। दूसरा है अदसो मात। अब ये क्या कहता है इसके बारे में जानते हैं। इदंत उदंत या एदंत द्विवचन,
रूप की प्रगृह संज्ञा होती है। क्या होता है? इदंत, उदंत, एदंत द्विवचन रूपों की प्रगृह संज्ञा होती है। इसको हम उदाहरण से जानेंगे। ऐसे द्विवचन जिनके अंत में ई, उ अथवा ए होता है, उनकी प्रगृह संज्ञा होती है। क्या कहा? ऐसे द्विवचन जिसके अंत में ई, उ, ए होता है, उनकी प्रगृह संज्ञा होती हैं। तथा जिनकी प्रगृह संज्ञा होती हैं उनके बाद अच होने पर किसी भी प्रकार की संधि नहीं होती हैं। यदि अच होगा तो वहां पर किसी भी प्रकार की संधि नहीं होगा। जैसे इकारांत, उकारांत, एकारांत शब्द यदि द्विवचन रहता है तो कोई संधि नहीं होती है। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। इकारांत, उकारांत, एकारांत शब्द यदि द्विवचन रहता है तो कोई भी संधि नहीं होगा। जैसे यहां पर देखिए, मुनि में क्या है? तो ई है। मुनि प्लस आगच्छत, तो क्या हो गया? डायरेक्ट यहां पर हम इस प्लस को हटा दिए, मुनि आगच्छत। उसी प्रकार देखिए उकार वाला साधु में क्या है? ऊ है। ऊ प्लस इमो, तो इसका क्या हो जाएगा? बराबर साधु इमो। प्लस को हटा देंगे, यहां कोई संधि नहीं होगा। लते में क्या है? ए है। प्लस इमे, क्या होगा इसका? लते इमे। इस प्लस को हटा दिया, क्या हो गया? लते इमे। तो इकार था, उकार था, एकार था, इन तीनों का उदाहरण यहां पर हमने आपको दिखाया। आगे एक और देख लेते हैं। पचियते प्लस इमे, क्या हो जाएगा? ये हट जाएगा, पचेते इमे। इसी प्रकार से मैं स्वर संधि में जितने भी संधि आ रहा था उसके बारे में आप लोगों को बता दिया है। आप मेरे चैनल पर टॉपिक बाय टॉपिक इन स्वर संधि के अंतर्गत आने वाले सभी संधियों को ध्यानपूर्वक देख लीजिए। परीक्षा की दृष्टिकोण से यह बहुत ही महत्वपूर्ण संधि है और यहाँ से प्रश्न आए हैं और आएंगे। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो व्यंजन संधि से संबंधित होगा। अब हम व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे। संस्कृत का इसी प्रकार टॉपिक आपको दिया जाएगा, आप इसे ध्यानपूर्वक जरूर देखें। यदि अच्छा लगा तो दूसरों को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि उनका भी काम हो जाएगा। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि इससे आपका भी कल्याण होगा और दूसरों को यदि आप भेजते हैं तो उनका भी कल्याण होगा, और ये यदि वो तीसरे को भी भेज देंगे तो उनका भी कल्याण होगा। इसी तरह से इस चैनल पर CTET अथवा अन्य कोई भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हो, शिक्षक पात्रता परीक्षा, उसमें संस्कृत भाग या सोशल साइंस या साइकोलॉजी के अंतर्गत जितने भी प्रश्न आएंगे उनका सॉल्यूशन जो है इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो आप इस चैनल को, मैं फिर दोबारा कहता हूं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सधन्यवाद।